अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दूसरा दिन में सर यूट्यूब चैनल है एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन स्ट्राइक की, यानी ज़रात की मालूम स्ट्राइक की है। अस अपने अज की वीडियो का टॉपिक है जो सा किसान कार्ड के फायदे का फेज टू फेज वन का असर बचा गया सर, जिंद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सर को किड़े चीज़ों यानी सबसिडी दी है, खाद सारी बिना सूद कर्जे की फराहमी भी करे, जानी कि तुहाडे किसान कार्ड दे कर्जा चाहिए हो सके वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो बिना सूद कर्जे की फराहमी करे। किसान कार्ड के ही जरिए सारा अमल दरामद किसान कार्ड के ही जरिए, अगर किसान कार्ड का कहना पड़ता है तो कोई शायद नहीं कहना पड़ता, तो कोशिश करो अपने किसान कार्ड लाजमी बनवा लो। अच्छा, उस बाद क्या करे फसल की इंश्योरेंस वो भी गवर्नमेंट की फिलहाल करने दी है, नैक्सट क्लास लेकिन फिलहाल जी पॉलिसी की रकम है गवर्नमेंट अदा करे दी है। खुदा ना खास्ता अगर कोई फसल कपाह की कोई भी कुदरती आफात के जरिए अगर तुम्हारी फसल तबाह थी नहीं पिए तो उन्हें क्या थी जी तो इंश्योरेंस मिलती है, तो इंश्योरेंस भी थोड़ी कि तरीके थी यानी वो भी थोड़े किसान कार्ड ही के जरिए मिलती है। किसान कार्ड का बनाना तो लाजमी ही है, तो ये कोई भी अपनी गुंजाइश ना छोड़ो, मान के पहले ही अपना ये काम करो अपने किसान कार्ड बनो ताकि आने वाले जो गवर्नमेंट साड़ी इकदाम करें पे सारे किसान भीरावें कि उन्हें तुम फायदा गिनो, फायदे गिनने की तो कोई एक कम लाजमी करना पड़े। अगर तुस रजिस्टर करने तो पहले रजिस्टर दिखो, रजिस्टर तो बाद अपना अकाउंट ओपन करो, अकाउंट ओपन तो बाद अपना किसान कार्ड बनो, किसान कार्ड तो बाद ही मैं तो इस काफ़ी सारे चीज़ें दसा गया जिन्हों के सबसिडी मिलती पी है, यानी फेज वन भी दसा गए थे मशीनरी के बारे, फेज टू के अमल दरामद जिंदा में साडा इंश्योरेंस वाला ये सारे किसान भी आवे कि मेरे ख्याल काफ़ी सारा ही फायदेमंद है, जिसमें सारे कुदरती आफात पेमेंट थोड़ा वो आफात का सारा किया जो मेरे ख्याल मूवमेंट है एकदम कोशिश करो कि फायदा चो सारे चैनल को सब्सक्राइब करो निशान।